मेरा नाम मान सिंह मीणा है। मैं समाजशास्त्र विषय का सहायक आचार्य हूँ। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के प्रथम पेपर समाजशास्त्र का परिचय के अंतर्गत जो टॉपिक है समाज, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। समाज होता क्या है, समाज का तात्पर्य है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होते रहने वाली एक जटिल व्यवस्था है। समाज अमूर्त होता है, समाज दिखाई नहीं देता, मानव दिखाई देते हैं लेकिन मानव के जो संबंध हैं, अब मुद्दा आता है मानव संबंध क्यों बनाता है। मानव सामाजिक संबंध इसलिए बनाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसे अपनी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है, उनसे क्रिया प्रतिक्रिया करनी होती है जिससे सामाजिक संबंध बनते हैं। उन सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था ही समाज कहलाता है। सामाजिक संबंध परिवर्तनशील भी हैं, धीरे धीरे में परिवर्तन आता है। जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो समाज में भी बदलाव आता है। समाज समाजशास्त्र की एक मूलभूत और प्राथमिक अवधारणा है। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक पद्धति को उपयोग में लाते हुए अध्ययन करने वाला एक शास्त्र है। तो समाजशास्त्र की एक परिभाषा मैकाइव और पेज ने भी दी है। मैकाइव और पेज ने भी समाज को सामाजिक संबंधों का एक जाल कहा है जो सदैव परिवर्तित होते रहने वाली एक जटिल व्यवस्था है। तो आप सब समझ गए होंगे कि समाज क्या होता है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो अमूर्त है, जो सदैव परिवर्तित होते रहने वाली जटिल व्यवस्था है। अब अगला जो मुद्दा आता है कि भाई समाज की क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी, सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे। लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं तो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं तो एक व्यवस्था का निर्माण होता है जिसको हम समाज कहते हैं। दूसरी विशेषता है समाज अमूर्त होता है। ये बिल्कुल सही बात है, समाज दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है, क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं और सामाजिक संबंधों से निर्मित होने वाली व्यवस्था समाज भी अमूर्त होता है। तीसरी विशेषता है समाज में समानता और असमानता। समाज में समानता भी होती है क्योंकि जब लोगों में मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ समानता होती है तो वो अपना समाज बनाते हैं। जैसे पशुओं में भी बानरों का एक समाज होता है क्योंकि उनमें शारीरिक समानता होती है, उनकी सोच में समानता होती है। इसी प्रकार से मानवों में भी शारीरिक और एक सोच की समानता होती है, तो इस आधार पर वो एक समाज का निर्माण करते हैं।
असमानता, सभी लोग बिल्कुल पूरी तरह जैसे नहीं होते, उन्हें बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कुछ असमानताएं भी होती हैं। तो दोनों चीज़ पाई जाती हैं, समाज में समानता भी होती है, समाज में असमानता भी होती है। अगली विशेषता है समाज में सहयोग और संघर्ष। समाज में सहयोग भी पाया जाता है, बिना सहयोग के किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता, कुछ चीज़ आगे नहीं चल सकती, इसलिए सहयोग पहले है, संघर्ष बाद में। पहले लोगों में सोच के आधार पर, एक समान अनुभूति के आधार पर एक समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ में कुछ सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, कुछ लोगों के अपने स्वार्थ होते हैं, इस आधार पर संघर्ष भी होता है। जैसे हम देखते हैं समाज में कि देश में भी समाज में सहयोग चल रहा है, कई बार आंदोलन होते हैं, दंगे फसाद भी हो जाते हैं, तो दोनों चीज़ चलती रहती हैं, लेकिन सहयोग प्रथम है और संघर्ष द्वितीय है, संघर्ष बाद में है। जो संघर्ष है वो सहयोग के अधीन है। अगली जो विशेषता है वो है समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। अन्योन्याश्रितता का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए हम सबको एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। और समाज की भी एक मूलभूत विशेषता है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपने आवश्यकताओं के लिए हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अगली विशेषता है समाज परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था। समाज परिवर्तनशील भी है और एक जटिल व्यवस्था है। समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, आज से 100 वर्ष पहले जैसा समाज था वैसा आज नहीं है, और आज से 100 वर्ष बाद जैसा समाज होगा वैसा आज समाज नहीं है। समाज सदैव परिवर्तनशील होता रहता है। परिवार के बारे में हम देख सकते हैं कि पहले टाइम पर बहुत बड़े बड़े परिवार होते, संयुक्त परिवार होते, लेकिन अब एकल परिवार में रहते हैं हम। विवाह का जो प्रकार है वो भी बदल गया है, रीति रिवाज भी परिवर्तित हो रहे हैं, लोगों के संबंध भी परिवर्तित हो रहे हैं। इस आधार पर समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। लास्ट जो विशेषता है वो है समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। ये बात सही है, समाज अन्य प्राणियों को भी पाए जाते हैं, अन्य जो विकसित या बड़े प्राणी होते हैं, जो हाथियों का भी एक समाज होता है, बानरों का भी एक समाज होता है, लेकिन हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मानव समाज का अध्ययन करेंगे, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत पशु समाज का अध्ययन नहीं किया जाता, इसके अंतर्गत मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है। तो आज मैंने आपको ये बताई ये बातें कि समाज क्या है और समाज की विशेषताएं क्या है। आगे हम कल समाज के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।